दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में सुलावेसी गुफा चित्रकारी के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी द्वीप से अभी तक की ज्ञात दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी की खोज की गई है। यह गुफा चित्रकारी कम से कम 45,500 साल पुरानी है। गुफा में जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है। आइए जानते हैं सुलावेसी गुफा चित्रकारी के बारे में। इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी द्वीप में आधुनिक मनुष्य के निवास करने के प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में चूने के पत्थर की गुफा में सुलावेसी द्वीप में स्थानीय रूप से पाए जाने वाले जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है। जंगली सुअर के चित्र वाली गुफा चूना पत्थर की खड़ी चट्टानों से घिरी घाटी में स्थित है। बरसात के मौसम में गुफा में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाता है। इसके कारण इस गुफा में शुष्क मौसम में ही एक संकरे रास्ते से पहुंचा जा सकता है। घाटी वाले क्षेत्र में रहने वाले बुगी समुदाय के लोगों को भी इस गुफा की जानकारी नहीं थी। गुफा में बनी चित्रकारी लाल गेरुए रंग से बनी हुई है। गुफा चित्र में जंगली सुअर किसी लड़ाई को देखते हुए या किसी दूसरे जंगली सुअर से परस्पर मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं सुलावेसी द्वीप के बारे में। सुलावेसी द्वीप समूह इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण द्वीप है। इस द्वीप समूह में दक्षिण सुलावेसी, दक्षिण पूर्वी सुलावेसी, मध्य सुलावेसी और उत्तरी सुलावेसी द्वीप शामिल हैं। सुलावेसी द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी द्वीप से अभी तक की ज्ञात दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी की खोज की गई है। दूसरा, गुफा में जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है। तीसरा, गुफा में बनी चित्रकारी लाल गेरुए रंग से बनी हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन या फिर डी एक दो और तीन। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।